पक्की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस ने बागियों पर अनुशासन का डंडा चला दिया है। कई नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, आपको बता दें कि 200 विधानसभा सीटों में से लगभग 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का विरोध किया जा रहा है। कुछ ऐसे बागी हैं जो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने बागियों पर अनुशासन का बुलडोजर चला दिया है, डंडा चला दिया है। कई नेताओं को अब पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ बागी माने और कुछ नहीं माने। विशेष संवाददाता दिनेश डांगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो बागी नहीं मान रहे हैं अब उन्हें निष्कासित किया जा रहा है 6 साल के लिए। जी बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने 24 घंटे का समय दिया था कि बागी उम्मीदवार है वो कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में अपना ऐलान कर दे, लेकिन उस पद को समाप्त होने के बाद अनुशासन का डंडा चला है और उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने करीब 3 दर्जन के आसपास है, 36 से ज्यादा नाम है जिनको बाहर किया। बात करें तो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जो मौजूदा विधायक है जोरी लाल मीणा, बड़ा नाम है, उनको 6 साल के लिए पार्टी में निष्कासित कर दिया है। और विधायक परशुराम मोरदिया के बेटे महेश मोरदिया चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। इसके अलावा पीसीसी पदाधिकारी राहुल मीणा है, वो भी बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित यहाँ पर किया है। डॉक्टर विक्रम गुर्जर, पार्षद उमर दराज, ये बड़े नाम है जिनको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इसके अलावा हम और अन्य बड़े नामों की बात यहाँ पर करें तो बलवान यादव है जो चुनाव श्री माधोपुर से बगावत करके लड़ रहे हैं, उनको निकाला। और खिलाड़ी लाल गेरवा पसेड़ी से, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी है, उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता यहाँ पर दिखा दिया गया है। और रामचंद्र सराधना, पूर्व विधायक लूणकरनसर से पूर्व विधायक और मंत्री रहे वीरेंद्र बेनीवाल, इनको भी पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इसके अलावा सीव से फतेह खान, मालपुरा से गोपाल गुर्जर और छपड़ा से नरेश मीणा और केशव राय पाटन से पिछली बार उम्मीदवार रहे राकेश बोइस और साधु सर से ओम बिश्नोई, इनको पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। लेकिन दिनेश, जिस तरीके से बागियों को निष्कासित किया जा रहा है, पार्टी से बर्खास्त किया जा रहा है, मुश्किलें तो खड़ी हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जाहिर है उनके जो समर्थक हैं, एक बड़ा सहयोग, बड़ा सपोर्ट जरूर कांग्रेस पार्टी को मिलता होगा। अगर यही लोग निष्कासित कर दिए जा रहे हैं तो दिक्कतें खड़ी होंगी कांग्रेस पार्टी के लिए ना आने वाले विधानसभा चुनाव में। अब देखिए, इन्होंने बगावत कर दी है और ये चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको निष्कासन होना सही था, क्योंकि एक गलत मैसेज जाता है। उनको समय भी दिया गया 2 दिन का कि आप कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन देने का ऐलान कर दें तो आपके खिलाफ अनुशासन का डंडा नहीं चलेगा। ऑलरेडी इन्होंने नामांकन दाखिल करके कांग्रेस पार्टी के लिए यकीनन वहां पर समीकरण बिगाड़ दिए हैं, उनके लिए कह सकते हैं कि परिस्थितियां बड़ा और एक कड़ा संदेश है कि जो भी बागी होगा, जो हमारी बात को नहीं सुनेगा या नहीं मानेगा, पार्टी के हित में काम नहीं करेगा, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये बड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, अधिक जानकारी देने के लिए।